और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, बहुत दिनों बाद ये सीरीज फोकस कर रहा हूँ। दिस सीरीज आई स्टार्टेड इन द प्रीवियस 2022, तब हम लोग लिंक्यू स्टार्ट किया था पढ़ना। अब लिंक्यू स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे लिंक्यू को। उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, रेपलेट को, रेपलेट में जाता हूँ सीरियसली। रेपलेट एक साइट है, चलो रेपलेट में मैं साइन इन कर देता हूँ, ठीक है। साइन अप के लिए मैं जाता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, रेपलेट पे प्लस कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। तो लेट मी जूम अ बिट ताकि आपको दिखे यहाँ पे। कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, ओके, ऑटोमेटिकली लेगा ये, मुझे चूज करने को बोलेगा। तो मैं इस वाले से साइन इन कर देता हूँ रेपलेट में। रेपलेट में यू कर रहा हूँ यार, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है यार, इंस्टॉल करना पड़ेगा 2022 और सेटअप करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। व्हाट्स न्यू दिखा रहा है यहाँ पे, इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग, ओके ओके समझ गया मैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट रेपलेट कर सकता हूँ सीरियसली, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर मैं जाऊँ टेम्पलेट्स में, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर मी, बट द ओनली ऑप्शन दैट आई एम गोइंग टू इंटरेस्टेड इन, लेट मी सर्च ASP.NET, हैव दिस ASP, नथिंग, ओके। सी शार्प टेम्पलेट डाल सकता हूँ, फेवरेट सी शार्प ले लिया सीरियसली। टाइटल क्या रखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे लिंक ट्यूटोरियल, लिंक ट्यूटोरियल सी शार्प लिया। अपग्रेड टू मेक प्राइवेट, देखो यार पब्लिक रखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोड शेयर कर देंगे। main.cs, ओके गाइस, एक चीज देखो ना, ये पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा है .NET का, मुझे ऐसा लग रहा है, बट सह लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आज का वीडियो इसी में करते हैं, कल से यार मैं इंस्टॉल कर दूंगा .NET को और विजुअल स्टूडियो, उसमें फिर काम करूंगा। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे, भाई स्लो भी चल रहा है, माय गॉड कितना टाइम लगेगा, इंस्टॉल कर देते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे, ब्रेक पॉइंट डाल सकता हूँ, कैन आई हैड अ ब्रेक पॉइंट हियर, मजा नहीं आ रहा, ब्रेक पॉइंट का भी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। टाइप कर लेते हैं फिर विजुअल स्टूडियो में चले जाएंगे, चलो ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इंटीजर तो नाम कुछ है नहीं, लिस्ट इंटीजर क्रिएट करूंगा, जैसे MB नाम का लिस्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिस्ट करूंगा इंट, जैसे 1, 3, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ऐसे कर दिया। ये एरर क्यों दिखा रहा है यार, बहुत कुछ करना पड़ेगा यार। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक यूजिंग, इसमें एक और चीज मैंने नहीं किया यहाँ पे, इसको न्यू होगा तो न्यू में दिक्कत कर रहा है, तो मैं न्यू डालूंगा, तो ये नया लिस्ट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे एक और डालता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, मैं टाइप कर रहा हूँ गाइस यार, इफ आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो 2 आई विल बी गेट द सजेशन, ठीक है। दो तरह के सिंटैक्स होते हैं, ठीक है, समझ लो, एक होता है क्वेरी सिंटैक्स, होता है मेथड सिंटैक्स। हम मेथड सिंटैक्स सीखते हैं सबसे पहले, तो मेथड सिंटैक्स इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है मेथड सिंटैक्स, बट मोस्ट पीपल प्रीफर कि हम क्वेरी करना है तो मैं क्वेरी भी दिखाऊंगा। वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल में सीपी ग्राम पर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए, आज मैं डिस्टिंक्ट डालूंगा यार, मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए, जैसे वन है, वन दो तीन बार आ रहा है, बट आई नीड द डिस्टिंक्ट वन, तो मैं MB.NET करूंगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, नई लाइन पे आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन करो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा देखो यार डेटा आएगा, टाइम लेगा, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत स्लो है यार, समझो ना, कंपाइलर बहुत ही कमजोर वाला कंपाइलर है, हाँ तो ठीक है, समझ रहे हो ना, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, तो 8 दो बार था, 1 दो बार था, बाय बाय कर दिया। डिस्टिंक यहाँ पे देख रहे, डिस्टिंक का मतलब जो कि हमारा एक ही बार आ रहा है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेगा यहाँ पे, डुप्लीकेट डेटा हट जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आई एम गोइंग टू कवर अपॉन क्वेरी सिंटैक्स, वार यूएस करता हूँ। क्वेरी सिंटैक्स में क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है सबसे पहले, सेलेक्ट कैसे करते हैं भाई, ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे आपको, फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्म एक्स इन MB, ठीक है, फॉर्म एक्स इन MB किया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एक्स, सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डॉट डिस्टिंक करना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर मुझे यहीं पे देखना है तो मैं टू लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बट द ओनली थिंग इज गाइस आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू लिस्ट, सीरियसली कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट डालने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं ब्रेक पॉइंट डाल नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं ब्रेक पॉइंट डाल के दिखा देता ज्यादा सही रहता आपको, ठीक है। फॉर ईच कर देता हूँ इसको मैं, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, और एन्यू इन CP जगह पे QS करता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या नंबर आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि बस हम लोग मेथड ही चेंज कर रहे हैं, क्वेरी सिंटैक्स कर रहे हैं। एक होता है डुप्लीकेट सिंटैक्स, डुप्लीकेट नहीं होता, मिक्स सिंटैक्स, तो मिक्स सिंटैक्स भी होता है, तो उसको भी सेम ही होता है लगभग, मिक्स सिंटैक्स में दोनों को मिला के होता है। यार सुबह से मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, वियर्ड है भाई, सीरियस वियर्ड समझ में नहीं आ रहा है,
एक सिम, दोनों सिम का प्रोवाइडर है, सेम सिम का प्रोवाइडर है, एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, जिस शॉर्ट में नहीं आ रहा उसमें मैंने दूसरा प्रोवाइडर देखा चल रहा है। अब मैंने वो जो सिम जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है उसको मैंने दूसरे फोन में चला के देखा, वहां पे चल रहा है। तो वियर्ड है, पता नहीं क्या है दिक्कत। आंसर आ गया मेरा, यहाँ पे क्लास में लाया करते हैं काम। लेट्स गो अ वन लेवल अप एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ, ठीक है। टीवी टीवी स्टार नाम भी क्लास बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे टीवी स्टार में दो चीजें रखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉप करूं और हाँ यार प्रॉप इससे नहीं होता है सीरियसली, शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो मैं मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा। पब्लिक इंट एक आईडी होती है, सीरियसली जनरली आईडी होती है, कुछ लोग आईडी के जहाँ पे कुछ और लिखते हैं, सीरियसली कंफ्यूजिंग है, बट जनरली मैं रिकमेंड करूंगा आईडी लिखो, आईडी सही रहता है। ओके इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इधर पेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैं गलत जगह पे डाल दिया था, जनरली यार नया वर्जन में ना ये सब चीजें रहती नहीं है सीरियसली। जैसे क्लास पास यहाँ पे डायरेक्टली क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीजर कर दिया। उसके बाद मैंने एक और करूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट कर देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग लोकेशन या फिर सिटी कर दो, सिंपल सिटी रखते हैं। ये मेरे क्लासेस हैं, ठीक है, मेरा क्लास बन गया। अब इसके बाद मैं जो ये फॉरिच वाला है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये चीजें हैं भाई मैं रख रहा हूँ ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। लेट्स डू वन मोर थिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करते हैं, किसका नाम का, टीवी स्टार नाम का, और फिर टीवी कर देता हूँ इक्वल टू न्यू टीवी स्टार्स, न्यू टीवी स्टार न्यू लिस्ट होगा। यार बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना यार, सीरियसली शीशा आप तो बहुत कुछ भूल गया हूँ मैं। मतलब इस काला वाला की सीरीज चली, डाटा इंजीनियरिंग की सीरीज चली, जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो, वो वाली सीरीज भी अगर रिकॉर्ड करना है। न्यू करेंगे, न्यू टीवी स्टार्स करूंगा, ये हमारा क्लास का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को दो दो फीट चार फीट में डेटा डालना है, तो मुझे आई डी इक्वल टू, जैसे मैंने वन डाल दिया, कॉमा नेम इक्वल टू क्या करूंगा मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमित, ठीक है, ये कहाँ रह रही है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे कौन सी सिटी है, दिल्ली कर देते हैं। न्यू टीवी स्टार्स, एक मिनट कॉमा डाला कि नहीं डाला, नहीं कॉमा नहीं डाला, न्यू टीवी स्टार्स, इसकी आईडी डालेंगे, इसका नेम क्या है सीपी, ये कहाँ रह रही है, ये भी दिल्ली में रह रही है। तीसरी आईडी क्या है ना मेरा, एक और करता हूँ, आईडी इक्वल टू थ्री, इसका नेम डालते हैं मीत, इसकी सिटी कहाँ है शाहबाद। अब हमको क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है, तो बाहर कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल रामू होगा, रामू डाल दिया, टीवी डॉट सेलेक्ट एक्सटेंड टू एक्स डॉट सिटी डॉट डिस्टिंक्ट फॉर ईच, बाद रामू इन रामू का कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी राइट लाइन होगा रामू। तो बाकी सब मैंने कमेंट आउट कर दिया, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, तो लेट मी सी दैट रामू का में क्या क्या डेटा आ रहा है। यहाँ पे मैंने सारे कमेंट आउट कर दिए यहाँ पे, तो मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने सिटी डाल क्यों किया, गाइस यार सिटी से मैं करूंगा खेल, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिटी के साथ खेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली करूंगा तो नहीं होने वाला, दिखाऊंगा मैं आपको डायरेक्टली करूंगा, डायरेक्टली वाला काम नहीं चलता है डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपको एक पैरामीटर डालना पड़ेगा, एक अंडरथ का पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, सिटी के साथ मैं खेलूंगा तो सिटी मुझे जो भी डुप्लीकेट मिलेगी तो वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखो दिल्ली और शाहबाद है, ठीक है, दिल्ली और शाहबाद आ रहा है आंसर, ठीक है, दिल्ली और शाहबाद आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली एक था और शाहबाद एक था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर दिया सिटी। तो अब लेट मी डू वन मोर थिंग, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे टीवी डॉट एक्स सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या डेटा आएगा। एक मिनट को टू लिस्ट करूंगा, प्रोग्राम प्लस टीवी स्टार रामू डॉट सिटी, अब देखते हैं क्या डेटा आ रहा है, सिटी मेरा ब्लैंक आ रहा है, प्लस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉमा की जगह पे प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा की जगह पे प्लस से भी काम चलेगा, आई फील लाइक प्लस से काम चलना चाहिए यार मेरे को, यार बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ तो मैं भूल गया बहुत कुछ यार, ट्राई एंड टेस्ट करते हैं यार, शीशा आपका सीसीस बनानी है यार, एस पी कॉलेज वो भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा सब कुछ, यार भूल गया मैं भी। यहाँ पे देख लो सिटी दिल्ली नेम सुमित आईडी वन, कॉमर्स नहीं चलेगा प्लस से चलेगा, सिटी दिल्ली नेम सीपी आईडी टू, सिटी दिल्ली सिटी शाहबाद, बट तो डिस्टिंग काम नहीं किया, डिस्टिंग काम कैसे करेगा, डिस्टिंग विल वर्क ओनली इन अ पैरामीटर नॉट हेयर, ठीक है, इन अ पैरामीटर, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसको वन कर दिया, ठीक है, आईडी वन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे नेम हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सुमित कर रहा हूँ यहाँ पे, और सिटी वाला सिटी को हटा देते हैं, सिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, थोड़ा सा मुझे फिर से करना पड़ेगा, रिवर्स करता हूँ, बहुत सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोड शेयर करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं इसको
आपको यहाँ पे, और सिंह अब क्या करूंगा ना मैं यहाँ पे इसको सिटी वाले खटा देता हूँ और आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो लेंदी हो रही है, पता है वीडियो लेंदी हो रहा है, वीडियो लेंदी होगा क्योंकि हम कुछ नया करने वाले हैं यहाँ पे, कुछ सब कुछ बताएंगे। आईडी सुमित कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको सिटी को भी हटा दिया, आईडी वन कर दिया और मैं इसको सुमित कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आईडी टू किया था तो मैंने यहाँ पे किया, आईडी इक्वल टू वन है, ये भी सुमित है। तो आई फील लाइक आपको कैसा लगा होगा, डिस्टिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डिस्टिंग में हो सकता है ये एक ही बार सुमित को दिखाए, दो बार सुमित को ना दिखाए, बट हमारे इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके, आपको चेक करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हो सुमित आ रही है, आईडी इक्वल टू वन, फिर आईडी इक्वल टू वन और नेम मीन आईडी इक्वल टू थ्री। तो गाइस इसमें क्या हुआ ना, हमको डिस्टिंग काम नहीं करा, डिस्टिंग काम नहीं करा तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ कोड लिखना पड़ेगा ताकि मेरा डिस्टिंग वाला कोड काम कर सके। तो कैसे करना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो इस वाले को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि मेरे को जगह बहुत मिल जाए, और मैं क्लास क्या करता हूँ ना, क्लास वाले को फिर से कॉपी करता हूँ। लेट मी कॉपी द क्लास अगेन एंड मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास टीवी स्टार का इसको यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई आई इक्वेटेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये हमारा क्लास होगा टीवी स्टार्स। पब्लिक बूल इक्वल टीवी स्टार्स अदर थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेरेबल क्रिएट कर रहा हूँ इससे। इससे क्या होगा, मैं ये सिनेरियो को भी सॉल्व कर सकता हूँ जहां पे मेरे को आईडी, अगर मेरे पास दोनों में आईडी सेम है बट आई डोंट वांट टू फिल्टर इट आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी और समथिंग दिस सेलेक्ट, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू यूज अ सेलेक्ट कीवर्ड इन दैट केस व्हाट्स गोइंग टू हैपन आई विल ओनली गेट द सिटी एंड दीस थिंग्स, बट आई वांट द होल डेटा, होल द कॉलम्स, बट द ओनली थिंग दैट आई डोंट वांट इज की मेरा अगर आईडी दो है, दो बार आईडी वन इक्वल टू वन आई तो मुझे एक बार डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो सिनेरियो किस तरह कवर करेंगे वही कवर कर रहा हूँ। इफ ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस इक्वल्स अदर नल रिटर्न फॉल्स, इफ ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस इक्वल्स दिस अदर रिटर्न ट्रू। सिंपल सा कोड है, आपको रटना है और कुछ नहीं करना है। इफ ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस इक्वल अदर नल देन रिटर्न फॉल्स दिस अदर देन रिटर्न ट्रू। आईडी डॉट इक्वल्स other dot id, further पढ़ाओ other dot id and name dot equals other dot name। ये मुझे एक iqtable बना दिया यहाँ पे, इसका मैंने iqtable बना दिया। अब मैं रन करूंगा तो मुझे आई फील लाइक मुझे डेटा आने वाला है, करेक्ट डेटा। इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, पब्लिक ओवरराइड इंट गेट हैश कोड इंट आईडी हैश कोड इक्वल टू आईडी डॉट गेट हैश कोड इंट, मेरे पास नेम भी था ना तो नेम और आईडी का दोनों का मुझे हैश कोड करना है, तो नेम डॉट गेट हैश कोड और रिटर्न आईडी हैश कोड नेम हैश। रन कर रहा हूं मैं, अब देख रहा हूं आईडी वन मीट थ्री, मतलब आईडी एक जो बीच वाला एक रिकॉर्ड था ना ये हट गया सुमित वाला। ठीक है, ये डुप्लीकेट डेटा हट गया, ये तो समझ लिया किस तरह से आपको यहाँ पे आईक्यूटेबल का करना है। ठीक है, सिंपल मैंने आईक्यूटेबल बना दिया यहाँ पे टीवी स्टार पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक बूल इक्वल किया रेफरेंस डॉट इक्वल अदर नल है अगर रिटर्न फॉल्स, रेफरेंस डॉट इक्वल दिस अदर है तो रिटर्न ट्रू। फिर मैंने चेक किया आईडी डॉट इक्वल अदर डॉट आईडी, ठीक है, एंड नेम डॉट इक्वल अदर डॉट नेम। इस तरह से आपको अलग अलग पैरामीटर हो सकता है वो भी कर सकते हो, जैसे मेरा सिटी है तो एंड सिटी डॉट इक्वल्स अदर दो सिटी, दैट काइंड ऑफ स्टफ। पब्लिक ओवरराइड इंट गेट हैश कोड करूंगा इंट आईडी हैश कोड इक्वल टू आई डॉट गेट हैश कोड, क्योंकि आईडी वाला पैरामीटर था एक, दूसरा नेम था तो नेम डॉट कर दिया, आईडी हैश कोड नेम हैश कोड, इस तरह से आगे। एक तो ये तो होगा, ये एक और तरीका, अब एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं, एक और तरीका जो है बताता हूँ मैं आपको। अब एक और तरीके से करते हैं, ठीक है, तो एक और तरीके से करने के लिए क्या करूंगा, मैं जो ये क्लास टीवी स्टार पढ़ा हुआ है ना, क्लास पढ़ा हुआ है मैंने, जो ये क्लास पढ़ा हुआ है ये कॉपी कर लेता हूँ, बस आईडी और नेम पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, तो मैं आईडी और नेम रखता हूँ, चाहे तो सिटी रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता सीरियसली, तो सिटी वाला आप करके देखना, मैं तो सिटी से भी हो जाएगा काम यहाँ पे। तो यहाँ पे टीवी स्टार बना दिया मैंने, क्लास टीवी टीवी कंपेयरर कोलन आई क्वालिटी कंपेयरर और यहाँ पे टीवी स्टार, सिंपल ऊपर जैसे किया सिमिलरली वैसे ही करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे पब्लिक भूल कर देता हूँ इक्वल्स, मेरे पास दो चीज हो रही है यहाँ पे, टीवी एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, टीवी स्टार्स है ना, इसको मैं एक्स लेगा एक और टीवी स्टार्स फिर से करूंगा वाई, दो मैंने चीज डाली भूल इक्वल। अब इसको मुझे इक्वल चेक करना है, किस तरह से करते हैं, मैं अगर इफ करूं एक्स डॉट आई डी इक्वल इक्वल टू वाई डॉट वेरिएबल का नाम है, पैरामीटर का नाम है आई डी सॉरी वाई एक्स और वाई,
ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसके बाद एक और चेक मारूंगा एंटर करके, एक्स डॉट नेम डॉट टू लोअर कर देते हैं बेसिकली यार, टू लोअर या टू अपर कर सकते हो, मतलब केस सेंसिटिव है यार यहाँ पे ये। वाई डॉट नेम डॉट टू लोअर रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, वन ना रिटर्न फॉल्स करूंगा। ये ज्यादा इजी है ना, ज्यादा इजी है। इसमें मैंने चेक किया कि अगर नेम एक्स और वाई एंड एन आईडी आईडी इक्वल टू वाई इक्वल टू ओके एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आईडी किया एंड एक्स और नेम इक्वल टू यहाँ पे इस तरह कर दिया मैंने। यहाँ पे एक और चीज करूंगा, पब्लिक इंट ओके गेट हैश कोड, यहाँ पे क्या करूंगा टीवी स्टार्स और एक ओबीजे पास करूंगा रिटर्न ओबीजे डॉट डॉट आईडी डॉट गेट हैश कोड। तो यहाँ पे मैं रामबागा का ये था ना डिस्टिंक्ट डॉट टू लिस्ट। अब मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, इन दोनों कमेंट आउट करता हूँ, फिर यहाँ पे जाएंगे टीवी डॉट डिस्टिंक्ट किया है जो मैंने यहाँ पे, इसमें क्या करूंगा न्यू टीवी कंपेयरर ओके डॉट टू लिस्ट चलने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग फॉरिश का इस्तेमाल करते हैं आखिरी में, तो मैं फॉरिश करके यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ये डाल दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा, देखना अभी अब ये वाला काम करेगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान लीजिए डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आपका सुनाडियो हो सकता है, आपका डुप्लीकेट डेटा हटाना है आपसे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड वेरी हेल्पफुल कीवर्ड डिस्टिंक्ट, ये सेट ऑपरेशंस में आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे नेम सुमित मिल गया आईडी वन और नेम मीत आईडी थ्री, तो एक वाला सुमित वाला ये हट गया। तो मैं चाहता हूँ सिटी भी डाल के भी डाल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, वो मैं आप करके देखना। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन बाय एंड टेक केयर। बहुत लंबा वीडियो है पता है, बहुत मेहनत लगेगी एडिट करने में।